Assalamualaikum, I am Sonia. Welcome back to Step Up Tech. आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपने कॉपी पेस्ट का काम करना है, ठीक है। आर्टिकल्स लिखने हैं, बहुत इजी वर्क है, बहुत ज्यादा अर्निंग है। अगर आप मंथ में 25 डेज भी मतलब वर्क करते हैं तो आप जो है वो 1.5 लाख तक जो है इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वर्क होता है आर्टिकल राइटिंग का। चले तो मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलती हूँ, बताती हूँ कि आपने वहाँ पे वर्क कैसे करना है। हमारी जो वेबसाइट है वो है हमारी writerbee.com, ठीक है। writerbee.com जैसे मैं यहाँ पे इसे सर्च करती हूँ तो मेरे पास जो है वो एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप साइट पे कर लेती हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये जो आ रहा है ना, ये हमारे पास टॉप 5 राइटर्स है जिन्होंने मतलब 30 डेज में टॉप अर्निंग जनरेट किए, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है उसने $4,941 किए, नेक्स्ट वाले ने $40,055, नेक्स्ट $3,711, $3,605। देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा अर्निंग जो है इन लोगों ने जनरेट की है। इन लोगों के बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ठीक है। वराइटीज में जो है वो आपके इंटरेस्ट के रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। वर्क जो है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम ये जो भी हो। कंपेटिटिव जो है सैलरी है, ये देखिए सारी जो है इनकी आ जाती है, मतलब कि नेक्स्ट है कि व्हाट वी ऑफर, के हम क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट टाइम एंड फुल टाइम अर्निंग है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आपको मतलब इजीली आप जो है वो कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स है कि मिनिमम आपके ऑफ अ बैचलर डिग्री, आपकी डिग्री जो है वो बैचलर होनी चाहिए हायर अकेडमिक लेवल पर, क्योंकि आपने यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे होता है, दैट्स व्हाई आपकी डिग्री जो है वो बैचलर होनी चाहिए। इसके बाद आपकी बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, ये नीचे डिफरेंट प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग आर्ट बायो बिजनेस केमिस्ट्री कम्युनिकेशन कंज्यूमर जनरल स्टडीज इच मतलब ये डिफरेंट म्यूजिक, ये बहुत कैटेगरीज दी गई है, इनमें जो है वो आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट रोल क्या है, टॉप 10 जॉब्स अवेलेबल विदिन 24 आवर्स के दौरान जो है ये जॉब्स जो है 10 अवेलेबल है हमारे पास, एडवर्टाइजिंग की, जनरल स्टडीज की, जियोग्राफी की, ये डिफरेंट है, तो आप इनमें से भी कोई कर सकते हैं। अब इस पे हमने काम कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, यहाँ पे हमारे पास आता है रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं आपको पेमेंट मेथड बता देती हूँ कि पेमेंट मेथड इसका क्या है। पेमेंट्स में हम जाते हैं तो पेमेंट्स में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट है आपके लिए पायनोर है, पायनोर जो है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि आप जो है वो इजीली से अपने जैज कैश के साथ क्रैकलिक इसमें आ जाएगा आपका जैज कैश में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये देख ही सकते हैं, रेगुलर पे अगर आप वर्किंग करना चाह रही हैं, एडवांस पे करना चाह रही हैं, प्रो लाइट या फिर प्रो। देखिए अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है मैं कितने पेजेस लिखना चाह रही हूँ, अगर मैं इन पेजेस को मतलब ज़्यादा, अगर आप 10 पेजेस लिख सकते हैं तो आप 10 पे कर दें, अगर आप कम लिख सकते हैं तो आप इसे कम कर दें। यार सपोज मैं कहती हूँ कि मैं जो है वो 3 पेजेस लिख सकती हूँ, मैं मंथ में कितने डे वर्क करना चाहती हूँ, मैं फुल मंथ मतलब करना चाहती हूँ, मिनके 25 सैटरडे संडे का ऑफ होता है। अगर देखिए मैं 3 पेजेस लिखती हूँ और 25 डेज वर्क करती हूँ तो $701 जो है वो मैं अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अर्निंग है अगर आप पाकिस्तानी ये रुपीस के हिसाब से देखें तो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें फिर मैं आपको इस पर रजिस्ट्रेशन बता दूँ, इस पर काम कर कैसे करना है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करती हूँ, इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे हम अपना मतलब डिटेल्स देंगे, पर्सनल डिटेल्स के बाद पर्सनल डिटेल्स होंगी, उसके बाद हमारे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होगा, उसके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना सारा डाटा जो है वो ऐड कर दिया है। डाटा ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज करती हूँ तो बस मेरे पास जो है वो सारा हमारा अबाउट क्वालिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो मैं यहाँ से इंग्लिश चूज कर लेती हूँ। इंग्लिश के अलावा अगर आप कोई और मतलब कर सकते हैं लैपटॉप में, यहाँ पे उर्दू लिख लेती हूँ, उर्दू के
अबाउट जो है उर्दू में भी मैं जो है वो राइटिंग राइटर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट आ जाता है ये हायर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मास्टर्स है तो मैं यहाँ पे मास्टर्स लिख देती हूँ। जो डिग्री मतलब का मेजर जो थे वो मेरा था मास्टर एमसीएस था, तो मैं वो ये यहाँ पे वो लिख देती हूँ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लीज सेलेक्ट थ्री डुप्लीकेट्स। मतलब हम यहाँ पे थ्री जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि आपका मतलब किस चीज में इंटरेस्ट है ये वो सारा। तो यहाँ पे ठीक है ओके। तो यहाँ पे मतलब थ्री जो होता है वो मेजर होता है, इस पे डिपेंड करता है आप ज्यादा भी यहाँ पे फाइव भी जो है वो लिख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जा रहा जाता है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज कर सकते हैं, अडोब प्रीमियम प्रो, इसके अलावा सी प्लस प्लस मैं कर सकती हूँ, और जो भी आप मतलब यहाँ पे कर सकते हैं वो यहाँ पे सारे जो है इजीली जो जो आप कर सकते हैं उन सबको जो है वो आप कर रहे हैं। फायरवेल में कर सकती हूँ, इलस्ट्रेट में कर सकती हूँ, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट कर सकती हूँ, जावा कर सकती हूँ, जो भी आप यहाँ पे जो है मतलब कर सकते हैं, फोटोशॉप कर सकती हूँ, जो भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हैं उन सॉफ्टवेयर का आप मतलब के ओके कर देंगे। सॉफ्टवेयर ओके करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन ली जाएगी हमसे। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अबाउट नहीं, हम अपने अबाउट लिखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखते हैं आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 3 ईयर एक्सपीरियंस मतलब लिखते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशन मतलब लेटर्स आपने लिखना है, तो आप यहाँ पे कोई भी लेटर जो है वो लिख सकते हैं। मैं लेट्स बोल भी वैसे ही यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेबसाइट, आपने कहाँ से आपने इसके बारे में सुना है, तो मैं लेट्स बोल यहाँ पे अदर्स लिख देती हूँ। नेक्स्ट मतलब सर्चेस अकाउंट्स जो है वो मतलब आप सोशल अकाउंट्स जो है वो यूज़ करते हैं उसका लिंक जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं, और अदर्स और यहाँ पे एग्री एंड कर देते हैं। हम सारा डाटा लिख के जब मैंने उसे ओके कर दिया, ओके के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। अब हमने चेक करनी है हमारी मेल कि हमारी जो मेल है उस पर जो है वो हमारा कोड आया हो। जी देखिए, हमारे जो है वो मेल आ गया, मैं इस मेल पर क्लिक करती हूँ, तो मतलब उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशन हमारा जो है वो अप्रूव हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक लिंक आएगा, तो क्या करना है, हमने उस लिंक पे क्लिक करके तो हमने अपना अकाउंट अगेन से लॉगिन करना है, जो आपको बताई गई होगी, आपने मेल दी की होगी, पासवर्ड दिया गया होगा, उसे करके नेक्स्ट वो आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे। जैसे वो आप अपने स्टेप्स जो है वो कम्प्लीट करेंगे, आप जो है वो अपना वर्क ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है क्लिक हियर टू लॉग इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो लॉग इन हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम अपनी मेल देंगे और अपना पासवर्ड अगेन से एंटर करेंगे, तो जो है वो आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देती हूँ, तो मैं इसे साइन इन कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसे साइन इन करूँगी तो हमारे पास हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के बाद हमें वो कुछ वेज बताएंगे, मतलब कुछ स्टेप्स बताएंगे, स्टेप्स को क्लियर करके हम जो है अपना वर्क इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई। ठीक है, इस पर एप्लीकेशन स्टेप्स है। फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन अकेडमिक ट्यूटोरियल है। ठीक है, ये क्विज है, 40 मिनट्स का होगा, आप ये स्टार्ट करके ये क्विज देंगे। ठीक है, अब अगर ये क्विज में स्टार्ट करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो उन वर्ड्स को आपने 100 to 150 वर्ड्स के दरमियान एक मतलब ऐसे लिखना होता है। ये जो वर्ड्स होंगे, ये जो आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन करते कैटेगरीज लिखी होंगी, वो कैटेगरीज से रिलेटेड ही होंगे। नेक्स्ट है एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, दो टॉपिक्स ये के होते हैं, उस पर जो है वो आपने लिखना होता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, अगर आपने पहले वर्क किया हुआ है, आपके पास सैंपल्स हैं, तो आप वो लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सीवी जो है वो अपलोड कर सकते हैं,
और यहाँ पे हमारे पास डिक्की सर्टिफिकेट जो है ये अपलोड करके आप इजीली यहाँ पे अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।